नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका gupta.com में। और आज हम बनाने वाले हैं कृष्णा के लिए बहुत ही जल्दी बनने वाले और टेस्टी मोहन भोग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भोग बनाने के लिए मैंने चीनी लिया हुआ है, सूजी लिया है और देसी घी है, केला है, सेव है और थोड़े से सेव को मैंने इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, नारियल है कटा हुआ, बादाम है, किशमिश है, दालचीनी है और दो छोटी इलायची है। और यहाँ पे मैंने दूध लिया हुआ है आधा लीटर। और सबसे पहले दूध को हम गर्म कर लेते हैं। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक हम किशमिश, नारियल और बादाम को हम भून लेते हैं। तो कढ़ाई को रख दिया मैंने चूल्हे के ऊपर, घी डालेंगे, नारियल डालेंगे, बादाम डालेंगे और किशमिश डालेंगे। 1 से 2 मिनट भून लेंगे हम इसे। तो किशमिश, नारियल, बादाम हमारा भून चुका है, इसको हम निकालेंगे। इसी बचे हुए घी में सूजी डालेंगे, सूजी को भी भून लेंगे, लो मीडियम पर भूनेंगे सूजी को चलाते हुए लगातार। तो सूजी हमारी लगभग भून चुकी है, सूजी को हमें हाई फ्लेम पर कभी भी नहीं भूनेंगे। और इसी स्टेज पर डालेंगे घी, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, इलायची को मैंने कूट लिया है वो डालेंगे, तो सूजी को मैंने भून लिया है, इसमें दूध डालेंगे। सूजी को हमें बहुत ज्यादा भून के लाल नहीं करना है। दूध डालने के बाद चीनी डालेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था उसे डालेंगे, और आधा ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया है, कटा हुआ सेब डालेंगे, केला डालेंगे। लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे, सूजी को लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, छोड़ेंगे तो फिर ये जम जाएगा। और सूजी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा हमारा भोग। तो सूजी हमारा पक कर तैयार हो गया है, गैस को ऑफ करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं भोग को ढके हुए और भोग हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो भोग को मैंने निकाल लिया है, इसके ऊपर डालेंगे भुना हुआ ड्राई फ्रूट, सेब डालेंगे। तो भोग बनकर तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।